और ये जानकारी है कि कोरोना की समीक्षा बैठक ये चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, गृह मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ये बैठक काफी ज्यादा अहम, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और वैक्सीन ट्रायल, वैक्सीन कंपनियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी। एक अहम बैठक इसे माना जा रहा है जिसमें राज्यों की समीक्षा को भी जाना जाएगा। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो किस तरीके से वैक्सीन जब आएगी, किसे पहले उपलब्ध होगी, तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर आज ये चर्चा चल रही है, क्योंकि संकेत साफ हैं कि 4 महीने के भीतर वैक्सीन आ जाएगी और भारत बायोटेक इस पर काम कर रहा है। लेकिन ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर कुछ ही दिनों में मिल सकती है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन आएगी, 8 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और इसके लिए पैरामीटर्स भी डिसाइड किए गए हैं, क्राइटेरियाज भी कुछ बनाए गए हैं कि गंभीर रोगों से ग्रसित होंगे मरीज, उनको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसको लेकर अब किस तरीके से आगे चीज़ें बनती हैं ये देखना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो वैक्सीन अगर आएगी तो पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये वैक्सीन लगेगी, डॉक्टर्स भी इसमें शामिल होंगे और फिर इसके बाद सफाई कर्मी और वो तमाम लोग जो फ्रंटलाइन पर रह के काम कर रहे हैं, इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति, गंभीर रोगों से ग्रसित, खासतौर से कोरोना से इस वक्त जो जूझ रहे हैं उनको भी वैक्सीन लगेगी और उसके बाद ही आम आदमी तक पहुंचेगी। लेकिन ICMR की तरफ से भी साफ बयान सामने आया कि जरूरी नहीं है कि पूरी आबादी को वैक्सीन मिले, जरूरी ये है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना। तो ऐसे में अब वैक्सीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी ये देखना होगा।